हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा लेक्चर है अवेलेबिलिटी लेने का, ठीक है। कभी एक वर्क स्पेस में हम अवेलेबिलिटी किस तरह लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक वर्क स्पेस में वन यूज़ करते हैं जो कि डेफिनेट कमांड है। उसके बाद हमने डेट लिखना है, फर्ज़ करें हम 25 अगस्त लिख लेते हैं, ठीक है। लाहौर से दुबई लिख लेते हैं DXB, ये शॉर्टकट कोड्स हैं, पता है आपको। ये ओपन अवेलेबिलिटी है, इसको मैं एंटर करूंगा तो इसमें सब फ्लाइट्स आ जाएंगी, ठीक है, जो जो जा रही है पाकिस्तान से, ये दुबई, ये PAA, ये ठीक है, लाहौर से दुबई जा रही हैं, ये सारी क्लासेस हैं। इसमें याद रखें कि बिजनेस क्लासेस कौन सी होती हैं। कोई भी अवेलेबिलिटी हो उसमें ये येलो से पहले जो क्लासेस होंगी ना ऊपर, ये देख लें, ये बिजनेस क्लासेस हैं। येलो खुद एक इकॉनमी क्लास है, ठीक है। येलो से लेके ये विक्टर तक ये सारी इकॉनमी क्लासेस हैं, ठीक है। जोन सी अवेलेबिलिटी हो येलो से पहले पहले बिजनेस क्लास है, ये इनके जापान से लेके ये पीटर तक ये बिजनेस क्लासेस हैं, ठीक है। ये लाहौर से कराची जाने के लिए ये देखें, येलो से पहले बिजनेस क्लासेस हैं, ठीक है। ये ओपन अवेलेबिलिटी है। अगर हमने मैं अवेलेबिलिटी को भी टाइप करता हूँ ऑल्ट प्लस अप एरो से, बैक आ गए, बिल्कुल वही अवेलेबिलिटी है। इसको हम अब चेंज की से लेना सीखेंगे। पहले चेंज की प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं PK कर दूँगा, तो सर ये हमें शो करेगा एक एयरलाइन की, ठीक है, ये जो जा रही है, जिसके साथ कुछ एयरलाइनों की आपस में इंटरलाइनिंग हुई होती है, एग्रीमेंट हुए होते हैं, वो अटैच करके भी टिकट आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्लास वाले चेंज की से हमने अवेलेबिलिटी ली है, तो हमने अब हमने इसमें बताया हुआ कि मज़ीद आप वो भी चेक कर सकते हैं इस डे में और कितने कनेक्शंस हैं। वन डिस्प्ले पिकलिंग ये लिखा लिखा हुआ, तो मज़ीद आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गई हैं लोग, इस्लामाबाद इनके बॉय के साथ जो भी जा रही हैं वो इसमें शो हो रही हैं। वन डिस्प्ले करने से लिखा हुआ है फॉर मोर कनेक्शंस वगैरह, ठीक है। ये दुबई जा रही हैं, कतर जा रही हैं, PA जा रही है, ठीक है। इसी तरह हम अब ये चेक करेंगे कि हमने अगर वन डे आगे नेक्स्ट की चेक करनी हो तो हम दोबारा अवेलेबिलिटी लिख के जैसे लिखेंगे 26 अगस्त लाहौर से दुबई, चेंज की PK, कि हमें दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा। इतनी देर में तो कस्टमर बेशक आपका तंग पड़ जाए, ठीक है। उसके लिए इसका आसान मेथड है, हम वन क्लिक करेंगे, उसके बाद चेंज की क्लास ऑफ चेंज की वन प्रेस करेंगे, तो हमारी ये वन चेंज की क्लास ऑफ लाइन वन प्रेस करेंगे तो हमारी नेक्स्ट डे की अवेलेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए वन चेंज की क्लास ऑफ लाइन वन, तो ये 27 की आ गई सेम अवेलेबिलिटी जो हमने ये बार बार लेते हैं, ये नहीं लेनी पड़ेगी। फिर हम वन चेंज की क्लास ऑफ लाइन वन करते हैं तो हमें 28 की अवेलेबिलिटी शो हो जाएगी, ठीक है। इसमें आप वन बाई वन आगे जाके चेक कर सकते हैं किस में क्लासेस मौजूद हैं। तो फिर वन चेंज की क्लास होल लाइन वन फिर एंटर करेंगे तो हमें अब 29 की आ गई है। अच्छा, अगर हम वन क्लास होल लाइन चेंज की क्लास होल लाइन 5 डे की करेंगे तो हमारी 5 डे बाद की आ जाएगी, ठीक है। जिसके 29 के बाद 5 है, क्योंकि 29 31 का महीना है, ठीक है, अगस्त, इसलिए 5 डे बाद की हमारी अवेलेबिलिटी आ गई है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमने बैक जाना हो कि कस्टमर से हमसे फर्ज करेंगे, ये एक अवेलेबिलिटी लेते हैं हम 125 अगस्त लाहौर से दुबई चेंज की EK, ठीक है। ये शो कर रहा है कि आज के दिन दो फ्लाइटें जा रही हैं, एक 3:30 बजे एक की टाइमिंग है और दूसरे की टाइमिंग जो लाहौर से है वो 9 बजे की है, ठीक है। ये 25 को रात को यानी कि 3:30 बजे होते हैं, ठीक है। रात को 25 यानी कि 24 की रात को आपका पर्सन 12 बजे तक एयरपोर्ट पे हो, ठीक है। 3 घंटे पहले आपने
उधर पहुंचना होता है एयरपोर्ट पे, ठीक है। अगर हमने बैक जाना हो वन नेम की क्लास होल्डर एंड वन, वो कहते हैं नहीं 25 को ना करो, आप एक पीछे चेक करो मज़ीद, मैं पहले जाना चाहता हूँ वन क्लास होल्डर चेंज की नेम की वन, ठीक है। वो कहते 24 को कोई कैरियर नहीं जा रहा आपका, ठीक है। ये बैग जाने के लिए ये कमांड है क्लास ऑफ लाइन माइनस डालें या नेम की डाल के वन डाल लें, 24 को कोई नहीं है, 25 को भी कोई नहीं जा रही, वन नेम की वन, चक्कर कोई पेयर नहीं बन रहा कि हमने बैक डेट्स चेक कर रहे हैं। एक मिनट में देखता हूँ क्या वजह। गाइस हमारी असल में ना ये कमांड गलत थे, ठीक है। जो हमने नेक्स्ट वो बैक डेट जाने के लिए कमांड ली थी ना, वो कमांड ये है वन चेंज की नेम की वन, ठीक है। ये देखिए आ गई 24, 25 के बाद ये 24 की आ गई है, ठीक है। इस तरह वन चेंज की नेम की वन करेंगे तो फिर ये 23 को भी आ गई है टिकट, वन नेम की वन चेंज की नेम की। अब मैं फिर वन करता हूँ, वन नहीं करके मैं 5 डे बैक जाता हूँ कि मैंने 5 डे बैक की अवेलेबिलिटी लेनी है, तो मैं ये चेक करूँ। ये देखें 23 के बाद 5 डे पीछे चला गया, वन चेंज की नेम की 10, तो ये देखें ये 8 तारीख की अवेलेबिलिटी आ गई है, ठीक है। इसे हम वन डे नेक्स्ट की भी चेक कर सकते हैं और बैक की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला अवेलेबिलिटी का लेक्चर था जिसमें आपने अवेलेबिलिटी लेना सीखा है चेंज की के साथ, ठीक है। उसके बाद हम जो अब जो अवेलेबिलिटी लेंगे ना वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ आपको कि आपने अवेलेबिलिटी नहीं, इसी में बता देता हूँ ताकि इतना लंबा ना करें क्योंकि वो भी लेक्चर्स बहुत सारे बना रहे हैं हम, तो इसके लिए मैं वन इग्नोर करता हूँ। अब हम चेंज की से अवेलेबिलिटी लेना सीखेंगे, जो कि उसमें ये आसान है, ये कमांड जो है ना ये नहीं भूल सकती आपको, उसमें उसमें बहुत ईजी है कि अवेलेबिलिटी उसमें एक ही की यूज़ होती है उसी की मदद से, वो ये है कि 125 अगस्त को हम लाहौर से दुबई जाते हैं चेंज की ईके, ये क्लास होल लाइन ये यूज़ होता है इसमें, वहाँ पे चेंज की यूज़ हुआ था पहली अवेलेबिलिटी में, आपने देखा होगा इधर मैंने जब यूज़ किया था, ये चेंज की है जो कि एंटर के बटन के ऊपर, आपको पता है कि मैंने वो पहले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, मैपिंग वगैरह कोड वगैरह बताए थे कुछ, उसको आपने देख लेना वो कीबोर्ड को, अगर नहीं पता चलता तो उस कीबोर्ड से आपने ये कीज़ देख लेनी है, वो चेंज की थी ये क्लास होल्डर लाइन है, ठीक है। ये एंटर के बटन के साथ ही होती है तकरीबन, एंटर करूँगा तो इसमें क्या होगा, जब हम चेंज की से अवेलेबिलिटी लेते हैं तो ये लाइन 13-14 नंबर शुरू होगा, जब क्लास लाइन से लेंगे तो इधर 1-2 तरतीब से हमें शो होगी, जितनी भी फ्लैटें होगी ना जा रही दुबई को वो तरतीब से शो होंगी, ठीक है। इसके अब ये इससे तो हमने ले ली अवेलेबिलिटी, अब हम इसको वन बाय वन आगे जाने के लिए दिन के 26 की कस्टमर के ताब चेक कर लें, 27 की चेक कर लें, तो वन क्लास लाइन वन करेंगे, ठीक है। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है अवेलेबिलिटी का, ठीक है। आप चेंज की से ले लें या क्लास होल्डर लाइन से ले लें, ठीक है। ये बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम जब सीट सेल करेंगे, ठीक है, तब आपको इसका पता चलेगा इस दोनों में फ़र्क क्या है। ज़्यादा बेहतर है कि आप इससे अवेलेबिलिटी लें, ये जो मैंने अभी ली है ये 26 की आ गई है, 26 को 27 को चेक करने के लिए 27 आ गई, ठीक है। इस तरह ही हम इसमें हमारे बस एक की कम यूज़ करनी पड़ती है जो कि नेम की हम यूज़ करते थे साथ पहले, इसमें वन क्लास ऑफ वन। अब हम 2 डे अगर जाना चाहते हैं, 27 की थी अब 29 की हो गई है, ठीक है, 29 की हमारे सामने आ गई। हम क्लास ऑफ वन 5 डे अगर जाना चाहते हैं, कस्टमर के साथ 5 डे
बात चेक कर लो, ठीक है। जब हम चेक करते होते हैं ना हार्ड पोजीशन हो, तो हम वन बाय वन चेक करते होते हैं, वन क्लास होलो एन वन एस वन, ठीक है। फिर क्लास होलो एन वन एंटर करके हम फिर नेक्स्ट निकाल लेते हैं कि देखते हैं किस में सीड मौजूद है, लोअर स्टिच किस में मौजूद है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है जिसको ये क्लासेज हैं, येलो तक इकानमी क्लासेज हैं, ठीक है। और येलो से पीछे बिजनेस क्लास है, येलो खुद भी इकानमी क्लास है, ये याद रखना, ठीक है। जापान से लेके पीटर तक जितनी भी होंगी ना इधर, ये सारी बिजनेस क्लासेज हैं। सबसे लोएस्ट ये क्लास है इसकी बिजनेस की, सबसे बड़ी ये है जिसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसमें अब हमने बैग जाने के लिए 19 की 1 हमने 5 सितंबर तक चेक कर लिया है, हम बैग जाएंगे तो ये 4 सितंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 AM की क्लाइंट को हम डेट बताते हैं, वो कहते हैं मज़ीद पीछे आना चाहता हूँ मैं, जिसकी अवेलेबिलिटी लेके चेक करो, ठीक है। ये 3 में आ गए, आप चाहते हैं 1 AM की 10 डेज बैग जाओ, ठीक है। तो अब हमारा 24 को आ गई, ये 10 डे बैग आ गए, ठीक है, क्योंकि अगस्त 31 का मंथ है। ओके गाइस, आपने अवेलेबिलिटी लेना सीखा। अल्लाह हाफिज़।